हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। किसानों से जैविक खेती अपनाने का आह्वान। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर में चल रहे कृषि मेले में किसानों को संबोधित करते हुए काजरी निदेशक डॉ. ओपी यादव ने कहा, पशुपालन और डेयरी व्यवसाय बढ़ रहा है और ऐसे में हरे चारे की मांग वर्ष पर्यंत रहती है। संस्थान में नेपियर हाइब्रिड घास CO4 की कलमें बहुत ही कम कीमत पर किसानों को उपलब्ध करवाई जा रही हैं। क्रोफ कैफेटेरिया में लगी फसलों को देखें, जो अच्छी लगे उसका नाम नोट करें और अगले वर्ष उसके बीजों का प्रयोग करें। खेत की बाउंड्री पर गोंदे करोंदा कमुट के पेड़ लगाएं, इससे अतिरिक्त आमदनी होगी। कुमट से अधिक गोंद उत्पाद के लिए काजरी द्वारा इंजेक्शन और तकनीक दी जा रही है, उसे अपनाएं। गोंद की मार्केट में मांग बहुत है, जैविक खेती की ओर भी ध्यान दें। जैविक उत्पादों की मार्केट में मांग है, कीमत भी अच्छी प्राप्त होती है। खेती में अपना ज्ञान कौशलता बढ़ाएं। मेला संयोजिका डॉ. प्रतिभा तिवारी ने बताया कि मेले में विभिन्न प्रगतिशील किसान मित्र भी अपने अनुभव समझा रहे थे, जिससे किसानों में संस्थान की तकनीकियों को अपनाने का रुझान बढ़ा रहे। संस्थान द्वारा उन्नत सरसों और जीरा की उन किस्मों के बीजों का वक्रीय किया जा रहा है तथा फलदार पौधे उचित कीमत पर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। प्रगतिशील कृषक रतन लाला डागा, विजय गुडारा, बाबू खान ने जैविक खेती के बारे में अपने अनुभव साझा किए। जालौर के प्रगतिशील कृषक और जैविक उत्पाद के व्यवसायी योगेश जोशी ने कहा, जैविक उत्पाद विशेष रूप से राजस्थान में मसालों की, जिसमें जीरा, मेथी, धनिया, सौंफ, सुआ लाल मिर्च, पुदीन कस्तूरी मेथी की मांग है। जैविक खेती में लागत कम, गुणवत्ता युक्त उत्पाद मिलता है तथा मार्केट रेट भी अच्छी मिलती है। किरण परिहार गांव चोखा ने कहा कि हमारे पास जमीन नहीं है, लेकिन पर्स, चूड़ियां, बैग बनाने, शरबत बनाने का काम सीखकर कुछ कमा सकते हैं। पार्षद विश्वजीत जोशी ने कहा कि मेले में बहुत कुछ नया देखने और सीखने को मिला, जरूरत है स्वयं जागरूक होकर उसे ग्रहण करें। राधेश्याम परिहार गांव तिवारी ने कहा कि उपयोगी कृषि यंत्रों जैविक खेती को अपनाएंगे। सिंचाई मंत्री देवी सिंह भाटी ने कहा कि एक ही स्थान पर सब जानकारियां मिल रही हैं। जोधपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।